अब विरोध का बात आप किए मनीष का विरोध करते, आगे भी आप देखिएगा विरोध करते हुए, मतलब अभी पीछा नहीं छोड़िएगा, पीछा छोड़ने का बात नहीं है, हम एक तरह से इंडिकेशन है कि आप वैसा काम मत कीजिए जिससे आपके माँ को रोना पड़ता है, वैसा काम मत कीजिए, क्या जरूरी है ज्यादा जरूरत है ज्यादा देश सुधारने का, बिहार सुधारने का, क्या मतलब है सारा चीज अपने माता पिता का उठा, कोई अच्छा काम करे तो आपका मतलब वो सबका ठीका लिया है, वो हमारा भाई है दोस्त, हम समझाते हैं मत करो किसी का, वैसा काम मत करो जैसे अपने जेल मारो रही थी तो कोई नहीं ना छोड़ा नहीं गया, सब कोई मीडिया पैसा कमाया है मनीष के नाम पे, खूब पेटी भर भर के कमाया ना, अभी तो कमाया, अभी तो उनका विरोध करके वीडियो कमाएंगे नहीं, हम खाएंगे कहाँ से, मतलब कोई सपोर्ट कर रहे तभी आप विरोध कर, और आप विरोध करें उसको भी सही था, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं, ये को तमाशा चल रहा है, जेल में जाने वाला जेल में है, कोई सपोर्ट कर रहा है कोई विरोध कर रहा है, सबको पैसा आ रहा है, हम दर्दी किसी को नहीं है, तो हम तो कहेंगे ना भाई कि मनीष भाई तुम ऐसा काम मत करो जिससे दोबारा तुम जेल में जाओ। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर वो बाहर आता है जेल से तो आप जाकर उनका फिजिकली मिलकर समझाइएगा, ये वीडियो से ही वीडियो समझाने की कोशिश कीजिए, अरे हम लोग हमको क्या मिलने की जरूरत है, हम तो घर के पास है, मतलब घर के पास है तो आप मिलने नहीं जाइएगा, हमको तो हर चौक चौराहे पे भेंट हो जाएगा, हम मतलब घर नहीं जाइएगा, काले काले ना घर गए थे उनके, मनीष का सब आएंगे तो उनके साथ मिलने के लिए जाइएगा कि नहीं, ये कंफर्म कीजिए, मनीष का सारा फैसला जो है ना उनकी माँ के हाथ में है, जो माँ कहेंगी बाबूजी कहेंगे वही वो इंसान करेगा, हमको यही हमारा सलाह भी है राय भी है, लोगों के ताली बजाने के चक्कर में मत झांसा में आना भाई, कोई साथ दिया है इस मामले में सोनू सूद खेसारी लाल फलाना चिल्ला कोई साथ नहीं दिया, खान सर ये सब जो है सब 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 फिर आके कह रहा था भाई है मेरा शेर है मेरा ये है मेरा, जब देने से हट गया है ना ये सब, ये सब आके ढोंगी सब आके भाई 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 चिल्लाने लगा फिर टीआरपी कमाने के लिए, अब वही अब दिखा रहा है, अब वही जब भीतर था कौन एक शब्द नहीं बोला, इनडायरेक्टली सब इसको आतंकवादी मान लिया था सब, इससे इसके नाम से अपना नाम नहीं जोड़ रहा था सब, अब सब आएगा सब, मेरा भाई है मेरा शेर है मेरा बिहार का मसीहा है तुम्हारी मसीहा का, ये सब फ्रॉड है सब, इन सब के चक्कर में पड़ने लायक है, तब तो शुरू से मनीष को ही समझा रहा है कि केस करने वाला काम मत करो भाई, अपना अपना काम करो, 10 लाख 20 लाख का जो महीना कमाता है उसको क्या जरूरत है इतना ज्यादा मुसीबत लेने का, माँ का आंसू कौन पोछा है, नहीं पोछा है कोई, देखते थे कोई, बात 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 सही है कि मनीष कश्यप जब जेल में थे तो उनका भाई ही एक था जो उनके लिए लड़ रहा था, जहां भी जाना था कोर्ट कचहरी बेतिया हो पटना हो या तमिलनाडु हो वो सारा दौरा किया, बाकी दूसरा कोई उनके साथ में नहीं है, हाँ कुछ उनके दोस्त है जो उनके साथ आया था, अच्छा अपने लिए अच्छा एक मिनट एक मिनट अपने घर चले आते हैं, एक मिनट अभी उनको मतलब समझाने के जो बात कर रहे थे तो मनीष कश्यप के लिए लड़ने के लिए उनके भाई का साथ तो दे सकते थे, उनके साथ जा सकते थे तमिलनाडु जा सकते थे, काम में कोई साथ नहीं दे सकता है, तो आप फिर समझाइएगा साथ नहीं दीजिएगा, मैंने कोई साथ नहीं दे सकता किसी के बस में नहीं है, जिसके बस में बोलना था वो तो बोला तक नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम जेल गए थे तो हमारा परिवार का लोग हमारा साथ नहीं दिया, अच्छा। कोर्ट के कस्टडी से कैसे कोई छुड़ा सकता है आपको, लेकिन एक बोला जाता है सहानुभूति होता है पब्लिक देखता है कि फलाना आदमी आपके साथ है, वो भी लोग नहीं किया तो काहे के लिए दूसरे का माथा पे दर्द अपने माथा पे, मजदूरे के लिए ना लड़ता है, मजदूरे ने सबसे ज्यादा जातिवाद के नाम पे वोट देता है, मजदूरे ने इलेक्शन के टाइम में एसी वाला ट्रेन में बैठ जाता है अपने जात को वोट देकर धक्का खा के जाता है, एसी वाला बोर्ड के समय में एसी वाले बोगी में बैठ के आते हैं, और इस समय जो छठ दीपावली का समय इसमें क्या कौन से बोगी में आ रहा है, जैसा हरकत करते हैं वैसा चल रहे हैं, इलेक्शन में बुलाया जाता है पार्टी के द्वारा, एसी में बुलाया जाएगा अपने नेताओं को वोट देकर फिर उनको लात मार के भगा दिया जाता है, तो ये मजदूर ना जातिवाद के नाम पे वोट देता है जिसके चलते आप जेल में सड़ रहे हैं, तब कहेंगे नहीं कि आप ये सब काम मत कीजिएगा, अच्छा आपके कहने से मान जाएंगे, देखिए यहाँ तक के वो कोर्ट में गए थे तब भी बोले थे मजदूरों के लिए लड़ेंगे, और आप यहाँ पे इतना ज्यादा कह रहे हैं कि वो माना करेंगे, तो आपके माना करने से मान सकते हैं, फर्ज हम निभाते मानिए, चाहे जेल में आप ही ना है हम नहीं ना जा रहे हैं, एनएसए आप ही पे न लगा है, 80 लाख रुपए आप ही का न लगा है, माँ आप ही की न रो रही है, हम भी तो जाते हैं समझा के अपना घर आ जाते हैं, कोई भी जाता है जो खुद भुगत भोगी है उनको खुद समझ में अब आ गया है, मतलब पहले आप ये सब भोग चुके हैं, हाँ उनको खुद समझ में आ गया है, अब अगला डिसीजन उनका लेगा, हम सोशल मीडिया पे बोलते हैं तो हम अपना भावना रख रहे हैं, लोग माने ना माने हमको बुरा कहे भला कहे हमको क्या फर्क, आपको तो बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि आप मनीष कश्यप के कट्टर विरोधी, तो समझिए हमारा खर्चा हमारे अपने कमीनी से ना चलता है, आप हमको विरोधी समझिए तब वो हम खुश हैं, समर्थक समझिए तब वो खुश हैं, कहावत है ना गांव मराए जानता अपना काम बनता, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है ना लालच है, दिल में एगो दुख रहता है तो सोशल मीडिया पे जब लोग आता है तो बोल देते हैं। तो
तो खैर ये थे चंदन उपाध्याय जी जो मनीष कश्यप के ऊपर किस तरह से बातें कहे और मनीष कश्यप के प्रति इनका क्या विचार था, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इनका विचार जो है सही है या गलत है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।